कोई इख्तियार नहीं है स्पीकर को वोट ना कराए, आईन कहता है कि वोट होना है, उसका कोई इख्तियार नहीं है मोशन को रिजेक्ट करने का। आर्टिकल 5A का कोई ताल्लुक इस मामले से नहीं है। आर्टिकल 6 लगेगा इस मुल्क के विराजम पर, सदर पर, स्पीकर पर, डिप्टी स्पीकर पर, गवर्नरों पर जो इसमें हिस्सा लेंगे। सीधी सीधी बात, कोई इख्तियार नहीं है स्पीकर को वोट ना कराए, आईन कहता है कि वोट होना है, उसका कोई इख्तियार नहीं है मोशन को रिजेक्ट करने का। आर्टिकल 5A का कोई ताल्लुक इस मामले से नहीं है। आर्टिकल 6 लगेगा इस मुल्क के विराजम पर, सदर पर, स्पीकर पर, डिप्टी स्पीकर पर, गवर्नरों पर जो इसमें हिस्सा लेंगे। सीधी सीधी बात, कोई इख्तियार नहीं है स्पीकर को वोट ना कराए, आईन कहता है कि वोट होना है, उसका कोई इख्तियार नहीं है मोशन को रिजेक्ट करने का। आर्टिकल 5A का कोई ताल्लुक इस मामले से नहीं है। आर्टिकल 6 लगेगा इस मुल्क के विराजम पर, सदर पर, स्पीकर पर, डिप्टी स्पीकर पर, गवर्नरों पर जो इसमें हिस्सा लेंगे। सीधी सीधी बात।